आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। राज्य विधानसभा में आज प्रश्नकाल के बाद कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी द्वारा मीडिया पर की गई टिप्पणी को लेकर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जिसके बाद प्रस्ताव पारित कर दिया गया। ये प्रस्ताव भाजपा विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने रखा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदस्य ने सदन में विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है और मीडिया के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करके सदन की मर्यादा भंग की है। उन्होंने कहा कि इस मामले को सदन की विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए। वहीं कांग्रेस के रामनिवास रावत ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि जब सदन की कार्यवाही से शब्द विलोपित कर दिया गया है, तो ऐसे में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाना गलत है। उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी पार्टी मीडिया का सम्मान करती है। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई, जिसके चलते सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित भी की गई। मध्य प्रदेश से राज्यसभा निर्वाचन के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के चारों प्रत्याशियों धर्मेंद्र प्रधान, थावरचंद गहलोत, अजय प्रताप सिंह और कैलाश सोनी ने नामांकन पत्र दाखिल किए। विधानसभा परिसर में बनाए गए निर्वाचन कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिले के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत, जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्र और प्रदेश महामंत्री वीडी शर्मा भी मौजूद थे। श्री प्रधान और श्री गहलोत केंद्रीय मंत्री है, जबकि श्री सिंह और श्री सोनी भाजपा और इससे जुड़े संगठनों के पदाधिकारी हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से राजमणि पटेल ने नामांकन दाखिल किया। राज्यसभा सदस्य थावरचंद गहलोत, सत्यव्रत चतुर्वेदी, एल गणेशन, प्रकाश जावड़ेकर और मेघराज जैन का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। इनमें श्री चतुर्वेदी कांग्रेस से सांसद हैं, बाकी सभी भाजपा से चुनकर गए हैं। इस वजह से 5 सीटों के लिए राज्यसभा निर्वाचन हो रहे हैं। नामांकन भरे जाने का आज अंतिम दिन है, जिसकी जांच कल की जाएगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल पचमढ़ी के आदिवासी गांव पगारा में महिलाओं से सीधा संवाद किया। श्रीमती पटेल ने कहा कि महिलाएं परिवार के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। वे अपनी शारीरिक समस्याओं को कभी न छिपाएं, बल्कि तत्काल चिकित्सीय सहायता लें। राज्यपाल ने कहा कि 40 वर्ष की उम्र के बाद सभी महिलाओं के लिए समय समय पर अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराना अनिवार्य होना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार की मातृ वंदना योजना की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई ये योजना गर्भवती महिलाओं की बेहतरी के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने इसके साथ ही ग्रामीणों को बेटे बेटी में किसी तरह का भेदभाव न करने की समझाइश भी दी। पोलियो की बीमारी के उन्मूलन के लिए कल से राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के सभी जिलों में राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान का दूसरा चरण शुरू हो गया है। प्रदेश में दूसरे चरण के पहले दिन 1,06,00,000 लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 60% बच्चों ने पोलियो की दवा पी। आज और कल घर घर जाकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। उज्जैन में आज से विक्रम उत्सव 2018 शुरू हो रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज शाम विक्रम कीर्ति मंदिर में इस महोत्सव का शुभारंभ करेंगी। 18 मार्च तक इस महोत्सव का प्रथम चरण चलेगा, जिसमें सम्राट विक्रमादित्य पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दूसरा चरण 18 से 25 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। अखिल भारतीय स्तर का विक्रमादित्य संगीत अलंकरण इस साल प्रसिद्ध फिल्मी गायक अभिजीत भट्टाचार्य को दिया जाएगा। अब बात मौसम की। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। भोपाल में कल दिन का पारा 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ये सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, जो इस सीजन का सबसे गर्म दिन भी रहा। रात का तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम से गर्म हवाएं आ रही हैं, जिससे तापमान में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिनों में फिर मौसम में बदलाव हो सकता है और कहीं कहीं तेज हवा चलने और बारिश की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बुरहानपुर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस ने युवाओं को शासन की स्वरोजगार संबंधी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और शिवपुरी जिले के प्राथमिक कृषि शाख सहकारी संस्थाओं के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा कोट रोड स्थित शाखा में शुरू की गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।